Hello students, today we shall start the new chapter, that is the Industrial Revolution. Let us start. So the transformation of industry and the economy in Britain between the 1780 and the 1850 century is called the first industrial revolution. Matlab 1780 से 1850 ईस्वी के बीच जो ब्रिटेन में इंडस्ट्री में और इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट हुआ उसे जो है हम द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. ठीक ना, कहा जाता है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज अक्वर्ड इन ब्रिटेन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक ना बेटा, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड? तो बेटा ड्यूरिंग 1780 एंड 1850, 1780 से 1850 के बीच में क्या हुआ था? देयर वॉज फाउंड अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ सेवरल थिंग्स. बहुत बड़ी मात्रा में जो उत्पादन होने लगा था, जो कुछ भी हो, चाहे कॉटन से रिलेटेड हो या आयरन से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ें थी बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रोड्यूस होने लगी थी. ठीक ना, और सेकेंड चीज़ थी द न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी वॉज ऑक्यूपाइड. लोगों ने जो है वहाँ पे नए नए मशीनों का उपयोग करना शुरू कर दिया और नई टेक्नोलॉजीज को जो है अपनाना शुरू कर दिया था. ठीक है ना, और तीसरी बात क्या थी? द स्टीम वॉज स्टार्टेड टू यूज एज सोर्स ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल के रूप में अब स्टीम को जो है लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया था. मतलब द पीपुल हैड बिकम अवेयर अबाउट द पावर ऑफ स्टीम. लोग स्टीम की शक्ति के बारे में जान चुके थे. ठीक ना, वो कैसे हुआ था आप जान ही रहे हैं, जेम्स वाट के द्वारा किया गया, वो सब हम लोग बाद में चलेगा सब इस लेसन में. ठीक ना, फिलहाल इतना समझिए कि स्टीम जो यूज होनी शुरू हो गई थी, नई मशीनें उपयोग में लाने लगे थे लोग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और नई टेक्नोलॉजी को जो है वो लोगों ने अपना लिया था और बहुत बड़ी मात्रा में जो उत्पादन होने लगा था. ठीक है, तो बेटा द फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज मतलब दिस वर्ड वॉज यूज फर्स्ट ऑफ ऑल बाई अर्नोल्ड टॉयनबी. यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, इस शब्द का उपयोग किसने कहा था, यह कहा गया था अर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा. ही वॉज अ प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर थे, और 1760 टू 1820, 1760 से 1820 के बीच में क्या हुआ था? द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के समय क्या हुआ था? एट दैट पीरियड देयर वॉज द किंग ऑफ ब्रिटेन वॉज जॉर्ज थर्ड. उस समय ब्रिटेन के जो राजा थे ना, वहाँ पे जानते आपकी राजतंत्र चलता था. ठीक ना, तो वहाँ पे जॉर्ज तृतीय का शासनकाल था इस पीरियड में. ठीक ना, और टॉयनबी ने जो है ही वॉज बिकॉज ही वॉज अ प्रोफेसर, सो ही डेवलप्ड सीरीज ऑफ लेक्चर्स इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन हिज स्पीच. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है अपने तमाम जो है लेक्चर्स की श्रृंखला लगा दी. उस पर जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे आधारित तमाम बातें वो बताते गए थे. ठीक ना, और लेटर ऑन आफ्टर हिज डेथ, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ अर्नोल्ड टॉयनबी, ऑल हिज लेक्चर्स वेर पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बुक दैट वॉज नेम्ड लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड. यानी जितने भी लेक्चर उन्होंने दिए थे उन सारे लेक्चर्स को जो है पब्लिश किया गया एक बुक में, और उस बुक का नाम दिया गया लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड. कब? जब टॉयनबी की डेथ हो गई थी तब. ठीक है, उसके बाद बेटा द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज अफेक्टेड पर्संस अफेक्टेड पीपल इन टू वेज. One side there were some beneficials of this in development while
ऑन द अदर हैंड इट वॉज ऑल्सो हार्मफुल फॉर सम पर्सन्स, मतलब जो लोग पहले हाथकरघा अपनाते थे, मतलब जो एज ए लेबर उसका प्रोडक्शन करते थे, अब तो बेरोजगार हो गए ना, तो उनके लिए तो हार्मफुल रहा है। जो औद्योगिक क्रांति हुई उससे तमाम लोग बेरोजगार हो गए, ठीक है ना, जबकि कुछ जो कि रिच पर्सन्स थे, जो धनी थे, वो और धनी होते गए, क्योंकि उनके लिए लाभदायक रहा, वो पैसा इन्वेस्ट करते थे, मशीन लाते थे, टेक्नोलॉजी लाते थे, खरीदते थे, और उनकी जो है वो प्रोग्रेस होती जाती थी, जबकि जो एज ए लेबर थे उनके सामने भुखमरी की समस्या आने लगी थी, क्योंकि बेरोजगार हो गए थे। तो इस तरह से इसका दो प्रभाव पड़ा था। लेकिन अब आपका अगला पॉइंट है बेटा, वाई ब्रिटेन, मतलब वाई द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन ब्रिटेन, वट वर द रीजन्स आफ्टर इट, यानी द फर्स्ट कंट्री इज कंसिडर्ड द ब्रिटेन, वाई देयर स्टार्टेड द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, वह प्रथम औद्योगिकरण वहीं पे क्यों स्टार्ट हुआ। तो चलिए बेटा देखते हैं। सिंस 17th सेंचुरी द इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, दीज वेर द थ्री स्टेट्स, दोज आर कॉल्ड एज इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ऑल ऑफ दिस किंगडम्स कम अंडर द सेम मोनार्की, वहाँ पे एक ही राजतंत्र का जो है शासन था 17th सेंचुरी तक, ठीक ना, इंग्लैंड हो या वेल्स हो या स्कॉटलैंड हो, इन तीनों पर एक ही जो है राजतंत्र का शासन था। और इसका रिजल्ट ये था कि द किंगडम हैड द कॉमन लॉज, द अ सिंगल करेंसी एंड द सेम मार्केट, वेयर एवरीवेयर वाज द सेम प्राइस एंड नो टैक्सेशन वाज इम्पोस्ड। परिणाम ये हुआ कि चूंकि एक ही राजतंत्र था तो सब जगह जो है एक समान कीमत होती थी और टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक ना। तो इस वजह से वहाँ पे जो इसका डेवलपमेंट हुआ, एक ये रीजन था, और दूसरा रीजन था इन द 17th, मतलब एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ, देयर स्टार्टेड द मनी एक्सचेंज, यानी नाउ द सैलरी एंड वेजेस वेयर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब जो लोग पैसों को एक्सचेंज के रूप में यूज करने लगे थे, अब श्रम पे नहीं आधारित था, वस्तुएं नहीं दी जाती थी, बल्कि जो है मनी प्रोवाइड की जाती थी, मनी एक्सचेंज का सिस्टम आ गया था, ठीक है ना। और एक और बात हुई, इन द 18th सेंचुरी देयर केम एन अदर रिवोल्यूशन दैट वॉज कॉल्ड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, एक और क्रांति आई जो कृषि क्रांति के नाम से जानी जाती है। क्या हुआ उस समय, द बिग लैंडलॉर्ड्स परचेस्ड द नियरर स्मॉल फॉर्म्स ऑफ देयर फील्ड, जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने अपने खेत के आसपास जो छोटे छोटे खेत वाले थे ना लोग, उनके खेतों को खरीदना शुरू कर लिया कि भाई मुझे दो, जबरदस्ती खरीद लेते थे, ठीक ना। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, मैनी पर्सन्स बिकेम द लैंडलेस, ठीक ना, तमाम लोग भूमिहीन हो गए। तो फॉर देयर लिविंग दे हैड टू एडवांस टूवर्ड्स नियर बाई टाउन्स, अब इन भूमिहीनों को जो है अपने रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए, अर्निंग के लिए उन्हें नज़दीकी नगरों की तरफ जाना पड़ा। दैट वॉज ऑल्सो द कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनका नगरों में जाना भी औद्योगिकरण को जो है एक प्रगति के रास्ते पे ले गया, क्योंकि लोग गए काम में लगे। तो इस तरह से जो है ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट डे सेंड करेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।